हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और मेरा अब जो है इवनिंग टाइम रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आज मैं बनाऊंगी एक अच्छी सी रेसिपी। रेसिपी का नाम होगा वेज मंचूरियन। तो चलिए मैं आज बनाती हूँ। तो पहले, सबसे पहले मैं अपने बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, किचन अभी साफ़ नहीं हुआ है मेरा। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन साफ़ करने, और उसके बाद फिर मैं सामान को रेडी करती हूँ। सामान को रेडी करने के बाद जो है फिर मैं जो है बनाती हूँ, तो आप लोगों को फिर दिखाऊंगी। चलो चलते हैं। तो बस वेज मंचूरियन बनाने के लिए मैं सामान तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ पत्ता गोभी, और बच्चों के काफ़ी दिन से खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा कि चलो आज बना ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे पत्ते गोभी को कट कर रही हूँ, और इसको हमें करना है चॉप, क्योंकि तभी इसके बॉल्स बन पाएंगे, नहीं तो फिर बनेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, और इसको चॉपर से मैं चॉप कर लूँगी। बस यहाँ पर मैं पत्ते गोभी को भी चॉप कर ली हूँ, और यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज जो है गाजर लिया है, एक हरी मिर्च और दो टुकड़े गाजर, सॉरी अदरक के, उसको भी मैंने चॉप करके डाल दिया है। और यहाँ पर मसाले की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने प्याज लहसुन हरी मिर्च को, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। तो बस ये देखिए, सारे जो है कैबेज और क्या बोलते हैं कैरेट को मैंने चॉप कर लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच, 2 ढाई चम्मच अरारोट डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम 2 से 3 चम्मच जो है मैदा डाल देंगे। और इसके बाद इसमें हम काली मिर्च डाल देंगे, और इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे नमक, बस ये इतने सारे हैं। और उसके बाद मुझे इसको अच्छे से गूंथ लेना है। तो इसमें पानी अलग से नहीं डालना है, क्योंकि जो है फिर ये गीला हो जाएगा, तो जो सब्जी में पानी जो छोड़ता है उसी में जो है ये गूंथ जाएगा। तो ये देखिए, तो इसको ऐसे रगड़ रगड़ के गूंथ लेना है अच्छे से। यहाँ पे मैं सारे बॉल्स को बना लूँगी, तब इसको फ्राई करना है। इसको मैं डीप फ्राई करना है तेल में। तो सारे मैंने जो है बॉल्स बना लिए हैं। तो ये देखिए, 2 प्लेट मेरा तैयार हो गया है। इसको हमें कर लेना है डीप फ्राई। तो तेल मैंने पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए। इसमें सारे बॉल्स को डाल दूँगी, और इसको जो है मीडियम मतलब फ्लेम में ही जो है फ्राई करना है, क्योंकि फिर ये बाहर से जो है पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए हमें इसको जो है धीमी आंच पे जो है धीरे धीरे इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए हो गए हैं, इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो ऐसे सारे बॉल्स को मैं जो है फ्राई कर लूँगी। बनने वाला ये रेसिपी है, ये चाइनीज रेसिपी है, और बहुत कम टाइम लगता है। बस सामान तैयार करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे तेल निकाल लिए, थोड़ा सा तेल छोड़कर इसमें मैंने प्याज हरी मिर्च और लहसुन अदरक, तो ये सब मैंने जो है इसको हमें भून लेना है। तो ये चाइनीज डिश है, तो इसमें ज़्यादा जो है भुनना नहीं है। इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे अच्छे से, सॉरी शिमला मिर्च मतलब चॉप करके 1 शिमला मिर्च डाल देंगे, और इसको भी हमें भून लेना है, और ज़्यादा मतलब नहीं भूनना है। इसमें हम नमक डाल दिए हैं, और इसके बाद यहाँ पे मैं 1 चम्मच विनेगर डाल दूंगी, और एक मतलब 1-2 चम्मच इसमें हम सॉस डाल देंगे, सोया सॉस, और 2 चम्मच हम ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे। 1 चम्मच सेजौन चटनी डाल देंगे,
और यहाँ पे एक चम्मच केचप डाल देंगे। तो केचप आप दो चम्मच भी डाल, मतलब आपको जितना चाहिए आप डाल सकते हो। मुझे थोड़ा हल्का मीठा चाहिए तो मैंने यहाँ पे एक ही चम्मच डाला है। और यहाँ पे मैंने दो चम्मच जो है अरारोट को जो है घोल लिए हैं पानी में। तो ये देखिए घुल गया है और इसको हमें डाल देना है। और इसको जो है हमें इसमें पानी डाल देना, जितना आपको थिक चाहिए या थिन चाहिए। आप चाहे तो सूखा भी बना सकते हो, चाहे तो आप इसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हो। तो ये देखिए बन गया। इसमें मैं एक चम्मच काली मिर्च डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर मेरा वेज मंचूरियन बन गया है। तो आप अब इसको जो है ये पक जाएगा, तब इसके बाद इसमें हम सारे बॉल्स को डाल देंगे। और इसको धीमी आंच पे, मतलब इसको थोड़ा सा और पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो फिर ये क्रंची नहीं बन पाएगा, फिर एकदम वो हो जाएगा। और ये गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो बस इसको हमें ऐसे मिला लेना है बॉल्स में। तो ये देखिए मेरे वेज मंचूरियन बनकर रेडी हो गया है। आप चाहे इसको मतलब फ्राइड राइस से भी खाइए या पराठे से भी खाइए। तो बस ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।